वेलकम टू मिसेस पाशाज किचन। आज जो मैं रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ईजी है, बहुत मज़े की है। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड ने मुझे ये रेसिपी दी थी तो मैंने दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करूँ। केक बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ओवन हो, आपके पास एक सैंडविच मेकर होना भी जो है वो भी बहुत होता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि सैंडविच मेकर में केक कैसे बनाया जाता है। चले जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो मैं आपको सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। एक कप हमें चाहिए मैदा, दो अंडे, हाफ कप चीनी, इसको पीस लें, हाफ कप ऑयल, वन टीस्पून बेकिंग पाउडर, वन टीस्पून वनीला एसेंस, वन फोर्थ कप मिल्क चाहिए हमें। और इसके अलावा जो है ये हमारा सैंडविच मेकर है, इसको हमने रेडी इसका करना है। इसको हमने ऑयली करके इसके साइड्स को हमने ऑयलिंग करके ऊपर भी और नीचे भी इसको हमने बंद करके ऑन कर देना है जब तक इसकी एक लाइट बंद नहीं हो जाती। कुछ सैंडविच मेकर में ग्रीन लाइट बंद होती है और कुछ सैंडविच मेकर में हीट अप होकर ग्रीन लाइट ऑन होती है। तो इसको हमने बंद कर देना और हमने अपनी ऑन कर देना है। मेरे इसके सैंडविच मेकर की दोनों लाइट्स जो है वो ऑन हुई हैं। जब ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी तो हमारा जो है ये सैंडविच मेकर वो हीट अप हो जाएगा। अब हम जो है अपने बैटर की तैयारी करते हैं। एक बाउल के अंदर अलहदा से हमने अपना एक कप मैदा और वन टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के इसको छान लेना है। इसको अलहदा कर दीजिए। इसको अब आपने एक साइड पर रख लेना है। इसके अलावा आपने लेना है ब्लेंडर। अगर आपके पास एग बीटर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप ब्लेंडर के अंदर ये बड़े आराम से बना सकती हैं। और अगर आपके पास एग बीटर है तो वेल एंड गुड, फिर तो बहुत अच्छा है। ब्लेंडर में हमने डालना है हमारा हाफ कप ऑयल, और हाफ कप पिसी हुई चीनी, उसके बाद हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद उसमें हमने एक एक करके अपने एग्स डालने हैं। ये डाल के इसको अच्छी तरह बीट कर लें, ब्लेंड कर लें। एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून,
इसके बाद एक दफ़ा दोबारा हमें इसको अच्छे से तकरीबन 2 मिनट्स के लिए 3 मिनट्स के लिए बीट कर देना है। ये बैटर हमारा ब्लेंड हो गया, इसको हमने इसके अंदर निकाल लिया। अब हमने करने की जो हमने अपना मैदा उसको छाना था एक साइड पर रखा था, थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा दूध, इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके डाल के हमने इसको मिक्स करते जाना है। डाल के हमने इसको मिक्स करते जाना है इसको अच्छी तरह से। केक के बैटर में मैदे को जो है वो कुछ केक्स ऐसे होते हैं जिनमें हम मैदा को जो है वो ब्लेंड या बीट नहीं करते, उसको हल्के हाथ से जो है हम अपने जो हमारा एग्स वगैरह का बैटर बनाया होता है, हमने एग्स को चीनी को और ऑयल को जो ब्लेंड किया होता है या बीट किया होता है उसके अंदर हल्के हाथ से जो है वो मिक्स करते हैं। अब ये देखें ये हमारा बैटर तैयार हो गया। ये देखिए मेरे इसकी ग्रीन लाइट बंद हो चुकी हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसके अंदर कैसे डालना है, हमारे केक्स कैसे बनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 1 चम्मच मैंने अपना बैटर लिया और इसको अंदर डाल दिया। इस तरीके से आपने इसको सैंडविच मेकर में डाल देना है चारों साइड्स पे। कोशिश करें कि ओवरफ्लो ना हो। ये इस मटेरियल से आपके तकरीबन 6 ट्राइंगल्स जो है वो बन जाएंगे। आप ज्यादा बनाना चाहती हैं तो आप इस रेसिपी को डबल कर दीजिए। डाल के इसको बंद किया। और अपना सैंडविच मेकर ऑन कर दिया। इसको हमने 2 से 3, 3 से 4 मिनट मैक्सिमम जो है वो रहने देना है या फिर गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखें फ्रेंड्स, ये देखिए किस तरह खूबसूरत है। अब हम तब तक से चेक करेंगे कि हमारे अंदर से हो गए। ये देखें हमारी तब तक अंदर से साफ है, इसका मतलब है कि हमारे केक्स अंदर से तैयार हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी, ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर आप चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप आलमंड्स भी डाल सकते हैं और इसको आप चॉकलेट सॉस के साथ गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर स्प्रिंकल करूंगी। गरम गरम इसको सर्व कीजिए, गरम गरम टी के साथ, कॉफ़ी के साथ, बहुत ही यमी और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं ये। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। बहुत इजी है,
और बहुत मज़े की है। मेरे वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली जो रेसिपीज़ है उनकी नोटिफिकेशन मिलती जाए। थैंक यू सो मच।